हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्कोप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं पाकिस्तान सुपर लीग के एलिमिनेटर वन मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा पेशावर जालमी वर्सेस कराची किंग्स के बीच में अबू धाबी के शेख जईद स्टेडियम के अंदर 21 जून को रात के 11:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है सोनी 10/1 के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पे आपको पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा इंग्लिश T20 ब्लास्ट के मुकाबले, वुमेन्स क्रिकेट के मुकाबले, इंटरनेशनल मुकाबले, इन सब मुकाबलों की टीम मिलने वाली है। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और जल्दी से मेरे को ज्वाइन कर लेना है। और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो फैन टू प्ले के ऊपर, जहां पे आपको पाकिस्तान सुपर लीग के सभी मुकाबलों के अंदर फ्री एंट्री मिलती है। साथ ही में आप इनका सुपर हिट कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे सारे प्राइज विनर्सों काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। और आप पार्टिसिपेट करने के लिए बोनस कैश को भी यूज कर सकते हो। साथ ही में अगर आप 11 प्लेयर की टीम नहीं बनाना चाहते तो आप केवल 2, 3 या 4 प्लेयर की टीम बना के भी यहां पे विनिंग कर पाओगे। ये फीचर और किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल नहीं होने वाला, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप मेरा रेफर कोड स्पोर्ट्स कॉप यूज करते हो तो आपको फ्री में बोनस कैश भी मिलने वाला है। तो डाउनलोड करो फैन टू प्ले को जल्दी से और विनिंग करनी स्टार्ट कर दो। अगर मैं आपसे बात करता हूं पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफी तगड़ा मैदान होने वाला है बल्लेबाजी करने के लिए। बाउंड्रीज को छोटा कर दिया गया, रात का मैच है तो ड्यू फैक्ट्री बीच में आएगा इस मुकाबले के अंदर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पेशावर जालमी की टीम के बारे में, जिस टीम ने अपने 10 में से 5 मुकाबले जीते PSL के ग्रुप स्टेजेस के अंदर। पिछले मुकाबले में टीम की बॉलिंग पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, तो उम्मीद करते हैं इस मुकाबले में यह टीम अच्छी गेंदबाजी करने वाली है। हालांकि वहब रियाज ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी इस टीम के लिए, जरूर से इस मुकाबले के अंदर वहब रियाज पे निगाह रहने वाली है। मोहम्मद इरफान की वापसी होगी इस मुकाबले के अंदर। मोहम्मद इरफान भी 7 विकेट निकाल चुके हैं और उनकी हाइट कटिंग को फायदा होने वाला है। बल्लेबाजी में शोएब मलिक ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करी इस टीम के लिए। शोएब मलिक काफी तगड़े फॉर्म में, उसके अलावा वो थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेते हैं। अकमल ने शुरुआत काफी खराब करी थी, पर पिछले कुछ मुकाबलों के अंदर अकमल ने भी बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करी है। उनका फॉर्म में आना काफी शानदार बात है इस टीम के लिए। और हजरतुल्लाह जजई के रूप में एक काफी अच्छा ओपनर भी है इस टीम के पास में, जो कि काफी अग्रेसिव बल्लेबाजी करने वाला है इस टीम के लिए। और सबसे शानदार बात रही है शरफिन रदरफोर्ड की बल्लेबाजी। रदरफोर्ड बहुत ही कमाल के फॉर्म में, पिछले मुकाबले में 4 बॉल पे 4 छक्के मार दिए थे शरफिन रदरफोर्ड के अंदर। मुझे लगता है कि हैदर अली को मौका मिलने वाला है इस मुकाबले के अंदर। हैदर अली का आना काफी बड़ी बात होगी पेशावर की टीम के लिए। तो पेशावर की टीम की बल्लेबाजी काफी शानदार रही है, पर इस मुकाबले में गेंदबाजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं पेशावर की टीम के बारे में, तो पेशावर के लिए ओपन कर सकते कामरन अकमल और हजरतुल्लाह जजई, नंबर 3 पे हैदर अली, नंबर 4 पे शोएब मलिक, नंबर 5 के ऊपर आपके आ जाते हैं शरफिन रदरफोर्ड, नंबर 6 पे रोमन पावल, नंबर 7 के ऊपर आपके वहब रियाज, उमेद आसिफ, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान और अबरार अहमद। तो जरूर से एक काफी बड़ा मुकाबला पेशावर के लिए भी, ये टीम मुकाबला के बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहेगी। अब मैं आपसे बात करता हूं कराची किंग्स के बारे में, जिस टीम अपने लगातार 2 मुकाबले जीतते हुए आ रही है और फाइनली कराची की टीम भी क्वालिफाई कर गई इस साल की PSL के लिए। टीम की बॉलिंग पिछले 2 मुकाबलों से काफी शानदार फॉर्म में रही है। अरशद इकबाल 8 विकेट निकाल चुके हैं PSL के अंदर, उम्मीद करते हैं वो फॉर्म को कंटिन्यू करने वाले हैं। साथ ही साथ में पिछले मुकाबले मोहम्मद इलायस ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी करी। मोहम्मद इलायस से काफी अच्छे तेज गेंदबाज इस टीम के अंदर, और नूर अहमद के रूप में काफी अच्छा लेफ्ट आर्म चैनमैन बॉलर भी इस टीम के पास में। बल्लेबाजी हमेशा स्ट्रांग रही है कराची की टीम की। बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर, उम्मीद करते हैं इस मुकाबले के अंदर वो फॉर्म को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और शर्जील खान की बल्लेबाजी भी काफी शानदार रही है,
वो भी टॉप 5 हाईएस्ट रन गेटर्स के अंदर उनका नाम आता है। मार्टिन गप्टिल को फॉर्म सुधारना पड़ेगा, मार्टिन गप्टिल एक काफी एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, उम्मीद कर से इस नॉकआउट मुकाबले के अंदर वो बड़ी पारी खेल के देंगे। और युवा दानिश आजीज ने बहुत ही कमाल की पारी खेली पिछले मुकाबले में, उन्हीं की वजह से कराची की टीम क्वालिफाई कर पाई है। तो कराची की टीम जरूर से विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं करना चाहेगा और लगातार तीसरा मुकाबला जीतना चाहेगा। तो कराची के लिए ओपन करेंगे बाबर आजम और शर्जील खान, नंबर 3 पे मार्टिन गप्टिल, नंबर 4 पे चैडविक वॉल्टन, नंबर 5 पे नजीबुल जदरान, नंबर 6 पे इमाद वसीम, फिर दानिश आजीज, मोहम्मद आमिर, नूर अहमद, अरशद इकबाल और मोहम्मद इलायस। तो जरूर से एक बड़ा मुकाबला कराची के लिए भी। आप कमेंट करके बताओ मुकाबला कौन जीतेगा, वो टीम होगी पेशावर, वो टीम होगी कराची, या बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली मशीन के ऊपर। तो एलिमिनेटर मुकाबला होने वाला है, जो भी टीम ये मुकाबला हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो जरूर से दोनों टीमें जीतना चाहेंगे इस मुकाबले में, अच्छा मुकाबला होने वाला है। ड्यू फैक्टर की वजह से बाद में खेलने वाली टीम को जरूर से एडवांटेज रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब किया चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।